नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खेलते खेलते बच्चा हुआ था गुम। जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बच्चे को सकुशल किया रेस्क्यू। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आरपीएफ और जीआरपी द्वारा किया गया सराहनीय मामला प्रकाश में आया है, जहां एक बच्चे के गुम हो जाने की स्थिति में दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर जीआरपी तथा आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं बच्चे को सही सलामत पाकर उसके माता पिता ने जीआरपी व आरपीएफ का आभार व्यक्त किया। आज से करीब 10 दिन पूर्व मुगलसराय कस्बे से शिवा नाम का बालक, उम्र करीब 5 वर्ष, घर से बाहर खेलते समय गुम हो गया था, जिसके परिजन काफ़ी तलाश करने के बाद कल जीआरपी में सूचना दिए। इस पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखा गया एवं लड़के की बरामदगी हेतु कई टीमें गठित कर रवाना किया गया। आज शिवा बालक को जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा वाराणसी से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। क्या कह रहे हैं परिजन जीआरपी और आरपीएफ की सहायता को? लड़के को पाकर उसके परिजन बहुत खुश हुए तथा जीआरपी आरपीएफ को बहुत धन्यवाद दिए। क्या नाम है? बोली, क्या हुआ था? बच्चा कहाँ से मिला, कब गायब हुआ था? कुछ मोबाइल चला चला चलते चलते टेंशन पे आ गया, वहाँ से गायब हुआ। खोजते खोजते परेशान हो गए, तो कल हम सूचना दिए जीआरपी में, आरपीएफ में भी दिए, तो जीआरपी वाला हम लोग को खोज के दिए बच्चे, तो हम खुश हो गए। आप सूचना दी, उसके बाद बच्चा मिल गया आपको? हाँ। कितनी खुशी है आपको अभी? बहुत खुशी है। साहब लोग को क्या कहेंगे? धन्यवाद।